इस साल का पहला सूर्य ग्रहण का नजारा बेहद अद्भुत होने वाला है। लोगों को 54 साल के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहीं अमेरिका में सूर्य ग्रहण से 13,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार को लग रहा है। ऐसे इस अद्भुत नजारे को देखने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के गवाह बनेंगे ये देश। मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका और कनाडा 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के गवाह बनेंगे। पाथ ऑफ टोटैलिटी यानी ग्रहण मार्ग में पड़ने वाले अमेरिका के कम से कम 12 राज्यों में इस दौरान करीब 4 मिनट तक दिन में अंधेरा छा जाएगा। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए आसपास के इलाकों से करीब 50 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए होटलों की मांग भी 12 गुना तक बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक एम्स्टर्डम में आईटी सलाहकार को दो ट्रेन इस अद्भुत घटना को 30,000 फुट की ऊंचाई से देखेंगे। इसके लिए उन्होंने 4 महीने पहले से रिसर्च करके उन विमानों के रूट पता किए जो ग्रहण मार्ग से होकर गुजरेंगे। 3 गुना अधिक कीमत देकर दाईं ओर की विंडो सीट ली। ट्रेन ग्रहण देखने के लिए 8 अप्रैल को सेंट एंटोनियो से डिट्रॉयट तक 30 घंटे का सफर करेंगे। 4 दिनों में 13,000 करोड़ का होगा कारोबार। लोगों की बेताबी को देखते हुए अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस ने 2 विशेष उड़ानों का ऐलान किया, तो वहीं 83,000 रुपए की टिकटें हाथों हाथ बिक गईं। वहीं कई विमान कंपनियां सरकार से घुमावदार रूट की मंजूरी में जुटी हैं, ताकि दाईं और बाईं दोनों ओर की विंडो सीट पर बैठे इस मनोरम और अनोखे नजारे को आराम से देख सके। इन सबको मिलाकर अगले 4 दिनों में अमेरिका में सूर्य ग्रहण के लिए 13,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। इस बार 3 गुना ज्यादा लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह है। दरअसल 2017 में लगे ग्रहण से इस बार पाथ ऑफ टोटैलिटी 60% अधिक चौड़ा और इतना ही अधिक लंबा है। यही वजह है कि इस बार का सूर्य ग्रहण हर बार की अपेक्षा ज्यादा खास होने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका में अगला सूर्य ग्रहण साल 2045 में लगेगा। सूर्य ग्रहण के रूट में पड़ने वाले विमानों में टिकट की मांग 1500% तक बढ़ गई है। इसके साथ ही ISO प्रमाणित चश्मों की बिक्री भी बढ़ गई है। ये आंखों को सुरक्षित रखते हैं। पाथ ऑफ टोटैलिटी में पड़ने वाले इलाकों में 4.4 करोड़ लोग घटना के साक्षी बनेंगे। ट्रैफिक जाम से निपटने की तैयारी। वर्जीनिया के स्ट्रेसबर्ग में रहने वाली मेलिसा 2017 में पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए 643 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में गई थी। तब 2 घंटे की दूरी तय करने में 6 घंटे लग गए थे। प्रशासन की ओर से इंतजाम में जुटे रिचर्ड ने बताया कि ये 30 सुपर बॉल या पार्टी एक साथ होने जैसा है। हजारों की भीड़ जुटेगी। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ग्रहण के बाद एक साथ ना निकले। भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका में लगेगा, जिसे देखने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें कुछ पल के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। 25 मार्च को लगे चंद्र ग्रहण के बाद ये 2024 का पहला सूर्य ग्रहण है जहां इस सूर्य की परछाई पड़ेगी। उस जगह पूरी तरह से शाम जैसा नजारा दिखेगा। मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। इससे ये साफ है कि भारत समेत बाकी दुनिया में ये नहीं दिखने वाला। इस बार सूर्य ग्रहण की समग्रता का समय ज्यादा होगा। नासा के मुताबिक जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है तो वह समग्रता कहलाता है, जो कुछ मिनटों का होता है। नासा का कहना है कि 2017 की तुलना में 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण की समग्रता का समय थोड़ा ज्यादा होगा। समग्रता के दौरान लोग सूर्य के कोरोना को देख सकते हैं, जिसे देखना बेहद दुर्लभ है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के डॉक्टर जॉन मुल्चे के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण मनुष्यों पर सदियों से बेहद गहरा प्रभाव डालता रहा है। 20 साल बाद लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। नासा का कहना है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के बाद अमेरिका के लिए भी ये दुर्लभ नजारा बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 2044 तक नहीं लगेगा। समग्रता के पथ पर मौजूद लगभग 3.2 करोड़ लोग इस दुर्लभ घटना को देख सकेंगे।
अगर आप इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो YouTube पर मौजूद लाइव स्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे भारत में देखना चाहते हैं तो आपको 2031 तक इंतजार करना होगा। भारत में कब लगेगा अगला सूर्य ग्रहण? भारत में सूर्य ग्रहण हमें 2031 में दिखाई देगा। 21 मई 2031 को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से नहीं ढक पाता, इस कारण हमें आसमान में आग की रिंग दिखाई देती है। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण का पथ अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होकर इंडोनेशिया तक होगा। भारत के दक्षिणी राज्यों से भी यह गुजरेगा। भारत में कोच्चि, अलापुझा, मदुरई और वेदारण्यम शहरों में इसे देखा जा सकेगा। बाकी देश में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव। अब से ठीक 54 साल पहले यानी 1970 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। 9 अप्रैल की सुबह में ग्रहण की समाप्ति के बाद सुबह चैत्र नवरात्रि के लिए कलश स्थापना होगी। इसलिए सुबह सबसे पहले गंगा जल से स्नान करें। कलश स्थापना से पहले पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें, साथ ही कलश के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें। भोग में लगाए गए प्रसाद के ऊपर कुश या तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से पूजा सफल मानी जाएगी, शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें, जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव जातक के ऊपर बना रहे। सूर्य ग्रहण और सूतक काल का समय। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण लगने का समय क्या होगा? साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि लगेगा। 8 अप्रैल को रात में 9:12 से शुरू होकर 1:25 तक इसकी अवधि 5:10 की होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। 7:50 तक सूर्य पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढल जाएगा। ऐसे में अमेरिका के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण अलास्का को छोड़कर संपूर्ण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका समेत कुछ उत्तरी भागों में, आयरलैंड, इंग्लैंड के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों और कनाडा में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण सबसे पहले मेक्सिको में दिखेगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या करें? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बीच मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, या सूर्य के किसी अन्य प्रभावशाली मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इष्ट देव के नाम का जाप या मंत्र का जाप करें। गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, घी आदि वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन अपनी राशि के शुभ रंगों के कपड़ों का चयन करना चाहिए। शुभ रंग के वस्त्रों का पहनना शुभ साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।